कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं कि जो अभी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य की वार्ड क्रमांक 9 का निर्वाचन संपन्न हुआ, उसमें का माला मौसी जो किन्नर का फार्म भरकर चुनाव प्रत्याशी बनी और इसके बाद घोषित हुई। घोषित होने के तत्काल बाद हमें जानकारी की लगी कि ये माला मौसी किन्नर नहीं बल्कि एक पुरुष है, इसके पत्नी है, एक बच्चे हैं और जो जाति प्रमाण पत्र मैंने शपथ दी है वो अनपढ़ का बताई है, अपने भाई का प्रमाण पत्र लगाई, जबकि ये 5वीं तक पढ़ी हुई है वहीं कचोरी से, कचोरी में इनका दाखिला भी लगा है और इन जो शपथ पत्र में नाम निर्देशन पत्र एवं शपथ पत्र में जानकारी दी है इनने झूठी दी है कि मेरे कोई मैं बच्चे नहीं है ना पत्नी है और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, केवल साक्षर हूँ, जबकि ये 5वीं तक पढ़ने के बाद ये पुरुष है। इनकी भूमि भी है 18 भाइयों से संबंधित, जो हम लोगों ने कलेक्टर साहब के पास पेश की। जहाँ तक महिला का सवाल है, उनके द्वारा महिला आरक्षण का लाभ नहीं लिया गया है। ये चूँकि अनुसूचित जाति मुक्त के लिए था, अगर वो अन्य में भी था तो उनके द्वारा महिला का लाभ नहीं लिया गया है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें गलत उन्हें जो है फ़ायदा लिया है। जाति के संबंध में जो भी उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया था या शपथ पत्र दिया गया था उस आधार पर उनका नाम निर्देशन पत्र वैध पाया गया।